नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन स्कूल संचालक एवं प्राइवेट शिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन। मुख्यमंत्री के नाम संयुक्त कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। रायसेन जिला मुख्यालय के एक प्राइवेट स्कूल के संचालक के सुपुत्र पर हुई झूठी FIR दर्ज की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम संयुक्त कलेक्टर PC शाक्य को सौंपा ज्ञापन। सोसाइटी फॉर प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर्स जिला रायसेन ने मुख्यमंत्री के नाम संयुक्त कलेक्टर PC शाक्य को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि विगत दिनों एक प्राइवेट स्कूल के संचालक के सुपुत्र पर झूठा प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। अगर जांच में दोषी पाया जाता है तो कार्यवाही अवश्य होना चाहिए। ज्ञापन में कहा गया है कि प्राइवेट स्कूल रायसेन में पदस्थ कर्मचारी ने झूठे तथ्यों पर एवं असत्य आधार पर अपनी पत्नी से स्कूल संचालक के सुपुत्र पर झूठा छेड़छाड़ व दुष्कर्म का प्रकरण रायसेन थाने में दर्ज कराया गया है, जिसकी निष्पक्ष जाँच होना चाहिए। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। जी, आज किस मामले में आया हूँ ज्ञापन देने वाला? मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन अभी कुछ दिन पहले के स्कूल संचालक के ऊपर एक झूठी FIR प्रशासन के दबाव एवं राजनीतिक दबाव के चक्कर में अभी एक FIR झूठी FIR हुई है। तो जहाँ तक है हम लोगों को पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन प्रशासन के दबाव के चक्कर में जो एक FIR हुई है, अभी हमने माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन किया कि उस कार्रवाई का पूर्ण रूप से जांच करें। जांच होने के बाद जो भी निर्णय आता है हम उस निर्णय को स्वीकार करेंगे, लेकिन किसी भी एक ऐसे व्यक्ति को अपराधी साबित करना बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इस न्यायालय में उस व्यक्ति के साथ जब ऐसी कोई घटना हुई नहीं है, क्योंकि उस उक्त व्यक्ति द्वारा जब मेरे से बात करी गई तब मैंने जब उनसे पूछा कि भैया क्या मामला है, तो उसने मेरे से 20 लाख रुपए की मांग करी कि 20 लाख रुपए मुझे दे दीजिए, मैं राजीनामा कर लूँगा। जब कोई व्यक्ति की नीयत पहले ही पैसों को लेकर ऐसी है तो वो व्यक्ति किसी के ऊपर भी आरोप लगा सकता है। तो आगे से ऐसी घटना ना हो, इसलिए मैं माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन किया कि इस घटना की पूर्ण रूप से जाँच हो। क्या नाम है? क्या शुभम नाम है? उपाध्याय। किस मामले में ज्ञापन देने आए आप लोग? हम लोग जो हमारे स्कूल के संचालक हैं उनके बारे में बोलना चाहते हैं, उन पे जो आरोप लगाया है वो झूठा है। तो क्या क्या मांग की गई है अपन ने उसमें ज्ञापन में? कुछ मांग की हुई सर, नियमों के अनुसार पूरी जांच करके उन पे सजा सुनाई जाए। इसके पहले अगर दबाव बनाया जा रहा था ये तो गलत है ना। प्रशासन के अनुसार जो नियम है उसके अनुसार काम किया जाए। और सर, मुझे भी एक साल होने वाला है इस स्कूल में आए हुए, लेकिन मुझे कभी भी किसी बात की वजह से या कभी किसी बिहेवियर की वजह से ऐसा नहीं लगा कि वो ऐसा कर सकते, या कभी भी मिसबिहेव नहीं किया उन्होंने हमारे। सर, स्कूल में CCTV कैमराज लगे हैं, आप उनको पहले जांच कराइए, इसके बाद। किस मामले में आया था, किस मामले में ज्ञापन दिया आपने? संस्कार पब्लिक स्कूल के संचालक के ऊपर एक झूठा प्रकरण दर्ज किया गया है वहाँ के किसी महिला के द्वारा। इस प्रकरण में हम माननीय कलेक्टर महोदय से और SP महोदय से ये निवेदन करने आए हैं कि किसी भी प्रकरण की बगैर जांच किए बिना उस पर दबाव न बनाया जाए। हमारा मानना ये है कि उस व्यक्ति के प्रति आप सूक्ष्म से जांच करिए, बारीकी से जांच करिए। अगर जांच में वह व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो आप बेशक उसको सजा दें, यही हमारी मांग है। क्या नाम है, क्या पद है आपका? मेरा नाम राजेश राजौरिया है, मैं सोपास का जिला अध्यक्ष हूँ। जी, लगभग 8 वर्ष से वहाँ हूँ। किस पद पे हो आप? मैं लेक्चरर। लेक्चरर, हाँ। तो किस मामले में आप ज्ञापन देने आए थे आप? सर, मुझे ऐसा नहीं लगा 8 वर्ष में कि हमारे संचालक मंडल की कोई नीयत ऐसी हो जिससे कोई प्रकरण बने। और हमारे साथ में लेडीज स्टाफ भी है, जेंट्स भी है। मैं तो अनुभवी व्यक्ति हूँ, मुझे पढ़ाते हुए, पहले सरस्वती में पढ़ाता था, बहुत दिन हो गए, लेकिन इस प्रकार की कोई नीयत खराब करेगा ऐसा मुझे समझ में नहीं आया। बस यही कहना चाहता हूँ। क्या नाम है? दिलीप कुमार कोस्टा।